जय हिंद दोस्तों, राशन कार्ड के ई केवाईसी को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और इसको इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि बहुत सारे लोग परेशान है। परेशान किस चीज को लेकर है कि ये जो ई केवाईसी करा रहे हैं राशन कार्ड का, उसमें है कि बुजुर्गों का, बहुत सारे बुजुर्गों का फिंगर नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का फिंगर नहीं लिया जा रहा है, मतलब मैच ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर रहते हैं, कहीं बाहर में रह के काम करते हैं, जैसे बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, झारखंड के, बंगाल के, उड़ीसा के, जहाँ के रहने वाले हैं, तो बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो उन लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर नहीं आ पाए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो विदेश में भी काम करते हैं, जैसे सऊदी में है, कतर में है, बहरीन में है, तो बाहर जाकर ड्राइवरी, मजदूरी, बहुत सारे काम करते हैं। ये जरूरी थोड़ी नहीं कि बाहर विदेश में रह रहे थे सारे लोग अरबपति ही हैं, करोड़पति ही हैं, सब सारे ऑफिस में ही काम करते हैं, सारे इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, सारे मेडिकल में ही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मजदूरी करने भी लोग बाहर जाते हैं, तो ऐसे लोग भी है जो उनका ई केवाईसी कैसे होने वाला है, तो ये सब बहुत सारे सवाल है। इसके अलावा भी इतने सवाल है, सबका जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, छोटा वीडियो बनाऊंगा, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई केवाईसी का जो टाइमिंग है, लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक है। तो 30 सितंबर है तो अभी काफी समय है अपने पास। इसके बीच जो बाहर रहने वाले व्यक्ति है, जो बाहर कमाने वाले व्यक्ति अगर आ जाते हैं अपने गांव, तो ई केवाईसी करा सकते हैं। अब देखिए इसमें समस्या कहां आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ई केवाईसी इसलिए उनके परिवार के लोग नहीं कराए कि इसमें से एक व्यक्ति बाहर रह रहा है, दो व्यक्ति बाहर रह रहा है, तीन व्यक्ति बाहर रह रहा है। जो जानते हो तो करा ही लिए, लेकिन जो नहीं जानते वो नहीं करा रहे। मैं आपको बता दूं, देखिए जितने लोग भी है गांव में, आपके परिवार में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, उसमें से एक लोग बाहर रह रहा है, उससे मतलब आपको नहीं है कि वो आएगा तभी ई केवाईसी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो लोग गांव में है, घर पे है, आपके पास कार्ड है, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, उनका पहले करा लीजिए आप। जो बाहर रह रहे हैं वो आएंगे तो करा लेंगे जब भी 30 सितंबर से पहले, अगर नहीं आ पाए तो उनके लिए भी मौका दिया जाएगा, लेकिन जो लोग है उन्हें करा लीजिए। ये बात समझ लीजिए, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि नहीं सारे लोग एक साथ रहेंगे तभी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जितने लोग हैं करा के आप राशन ले सकते हैं। जिनका ई केवाईसी नहीं होगा उनको 30 सितंबर के बाद राशन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको जिनके फिंगर नहीं होगा, बाकी लोगों का मिलेगा। अब आपको बता दूं, बच्चे और बुजुर्ग का जिनका फिंगर नहीं हो रहा है, देखिए बुजुर्ग है चाहे बच्चे, अब बच्चे क्या है कि जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनका जब आधार कार्ड बनता है तो उनका आंखों का रेटिना या फिंगर नहीं लगता है, उनके माँ बाप के आईडी पे बनता है, उनके आइडेंटिटी पे बनता है। आधार कार्ड तो बन जाता है लेकिन उनका फिंगर और रेटिना नहीं होता, इसीलिए उनका फिंगर देने जाएंगे, रेटिना देने जाएंगे तो उससे ई केवाईसी नहीं होगा। तो आपको बता दूं पहले क्या करना है कि उस बच्चे का आधार को अपडेट कराना होगा। बच्चे अगर 5 साल से ऊपर हो गए हुए हैं और 5 साल से उम्र से कम में उनका आधार कार्ड बना था जिसमें फिंगर नहीं हुआ था, रेटिना नहीं हुआ था, तो उनको क्या है पहले अपडेट कराना पड़ेगा आधार। आप आधार सेंटर पर जाकर पहले आधार को अपडेट कराइए, जब अपडेट हो जाएगा तब जाकर आप दीजिए, फिंगर ले लेगा 100% और उनका भी ई केवाईसी हो जाएगा। दूसरा आपको बता रहा हूं कि जो बुजुर्ग है तो बुजुर्ग भी क्या है, उनका भी आधार अपडेट समय समय पर नहीं होता है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले आधार बना, और बुजुर्गों को आधार का क्या है कि हर 5 साल में एक बार अपडेट कराना चाहिए, क्योंकि उनका क्या है कि फिंगर जो है ना उम्र होने पर मिसमैच होता रहता है, रेटिना भी कभी कभी मिसमैच होता रहता है, तो उनको कहा गया है कि हर 5 साल पे अपडेट आधार को कराना चाहिए। जिन बुजुर्गों का फिंगर अगर ले लिया है, उनका ई केवाईसी हो गया है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिनका अगर नहीं हो रहा है तो वो भी जाकर पहले आधार अपडेट करा ले नए सिरे से, तो उनका 100% ई केवाईसी हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी कोटेदार के पास जाएंगे, अपने राशन दुकानदार के पास जाएंगे, वहां जाके ई केवाईसी करा सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे। तो ये भी दिक्कत आ रही है कि बुजुर्गों का और बच्चों का जो अपडेट नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है।